नाउ क्वेश्चन नंबर 16 मिसेलेनियस एक्सरसाइज चैप्टर 7। हमारे पास ये फंक्शन है, हम पहले भी समझ चुके हैं कि आप ये जो log x के साथ ये आगे 3 है, log की प्रॉपर्टी होती है कि ये 3 कहां से ले जाएगा, इसकी पावर में। तो हमारे पास ऑप्शन हो गया e और log x क्यूब, और यहां पर है x की पावर 4 प्लस 1 माइनस 1, और ये माइनस 1 वाली प्रॉपर्टी आपकी कहां चली जाएगी, अपोन में, क्योंकि इसकी पावर माइनस 1 है। तो ये यहां पर आ गया है x की पावर 4 प्लस 1 विथ रेस्पेक्ट टू x। अब देखिए, आप इस प्रॉपर्टी को भी समझ चुके हैं, ये सारा का सारा ऑप्शन हमारे पास लॉग की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग क्या रह जाएगा, सिर्फ एक्स क्यूब अपॉन एक्स फोर प्लस वन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। बहुत ही इजी मेथड से ये जा रहा है सवाल, आप पुट कर लीजिए एक्स की पावर फोर प्लस वन को टी, तो आपके पास आ गया फोर एक्स क्यूब, और यहां पर आपके पास है इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो डी एक्स इक्वल टू डी टी बाई फोर एक्स क्यूब। तो ये वैल्यूज आपने यहां पर पुट करनी है, तो आपके पास ऑप्शन हो गया है एक्स क्यूब अपॉन में एक्स पावर फोर प्लस वन को आप क्या पुट कर चुके हो, टी, और यहाँ पे क्या ऑप्शन आ गया, डी टी अपॉन फोर एक्स क्यूब, इससे ये कैंसिल है आपके पास। और अब आप इसका इंटीग्रेशन करिए, तो आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे, वन अपॉन फोर है यहाँ पर, वन अपॉन टी है यहाँ पर, आपका रेस्पेक्ट है विथ रेस्पेक्ट टू टी, तो वन बाई फोर, और ये कितना हो जाएगा आपके पास लॉग टी, और टी की वैल्यू जो आपने क्या पुट करी हुई है, एक्स टू द पावर फोर प्लस वन प्लस सी, दैट्स द रिक्वायर्ड आंसर। होप यू एंजॉयड दिस वीडियो, थैंक यू।